मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह हमको जाना है जनपुर बस स्टैंड की तरफ, जिनको ड्रॉप करना है। और एक काम और भी है घर का, तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। ओह शिट, जौनपुर बस स्टैंड। और हमें जिसे ड्रॉप करना था हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया है। तो ऐसा है कुछ रेलवे स्टेशन का, और यहाँ जो दिख रहा है यहाँ यार्ड है, यहाँ धुलाई होती है बस स्टैंड बस की। और काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई पहले के मुताबिक, क्योंकि अभी बन गया है अच्छा खासा यहाँ रुकने का। पहले ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। तो फिलहाल यहाँ करीब रोज़ लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद के लिए यहाँ आप लोगों को बस मिल जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा बस स्टैंड बन चुका है फ़िलहाल में, क्योंकि यहाँ करीब आपको हर तरह की बसें उपलब्ध होंगी, जैसे एसी और जो ये चलती है लोहिया ग्रामीण करके, ये सब आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोगों को जहाँ भी जाना है आप लोग बस स्टैंड पे आइए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा कहीं भी जाने के लिए। आप लोगों को हर तरह की बस यहाँ मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है बस स्टैंड जौनपुर का भी। तो फिर मिलता भी था और इन्हें हम ड्रॉप करने आए थे, इनको जाना है लखनऊ। तो ये जाएगी लखनऊ चारबाग की तरफ। ये रही सामान, इनकी लोड हो रही है, फाइनली सामान हो गई है। आज मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप लोगों में से किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अगर जौनपुर से आजमगढ़ रूट पे जाना है या आजमगढ़ रूट से जौनपुर आना है, तो प्लीज़ आप लोग जूली बाज़ार आजमगढ़ से बाईपास पकड़ लीजिए। और इधर से जाते वक्त आप लोग चोरसंड से घूम जाइए, बाईपास पकड़ लीजिए, क्योंकि गौरा बादशाहपुर मार्केट में आप जाके इस समय फंस जाएंगे, क्योंकि बारिश है, बारिश में कीचड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग बाईपास ले पकड़ के आप लोग बाहर बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप लोगों को रास्ते में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लोग टीडी कॉलेज रूट पे जाके आ रहे हैं, वहाँ करीब चार से पाँच एटीएम रहे होंगे, तो वहाँ किसी भी एटीएम में कैश नहीं था। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर सुबह सुबह कैश निकालना है तो आप लोग टीडी कॉलेज रूट पर ना जाके आप लोग जैसे चौराहे से उलंदन की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे वहाँ आप लोगों को कैश मिल जाएगा। भैया मिले थे, इनको कुछ फ़ोन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, तो ये पूछ रहे थे हमसे कि कैमरा के मामले में कौन सा फ़ोन अच्छा है। तो फिलहाल में मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, तो मैं वही उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको व्लॉग बनाना है तो आपको ये कैमरा ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है? फ़िलहाल में इनको शायद से जचा नहीं कोई भी फ़ोन, तो ये हमसे वही सजेस्ट करना चाहते थे कि कौन सा फ़ोन अच्छा है। तो मैंने इनको एक बात बताया कि अगर आपको ब्लॉग बनाना है या वीडियो बनाना है तो आप लोगों को ये कैमरा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी इसी फ़ोन से ब्लॉग बनाता हूँ। तो फ़िलहाल में कोई कैमरा नहीं लिया है मैंने, तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपको ब्लॉग बनाने के लिए अगर फ़ोन चाहिए तो रेडमी का फ़ोन लीजिए। सुबह सुबह बारिश हुई थी लेकिन फिर भी मौसम खुला नहीं है, आप लोग देख सकते हैं मौसम काफ़ी धुंधला धुंधला टाइप जैसा है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। अब देखते हैं बारिश होती है या नहीं। फिलहाल तो अभी हम लोग सिटी में हैं और घर जाके पता चलेगा, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं बारिश हो रही थी आते वक्त, तो अब जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम लोगों को निकलने में कुछ टाइम है। सुबह सुबह सो के उठ के और शहर निकलना पड़ा, और सोया था तभी फ़ोन आया, कह रहे चलिए शहर चलना है। तो फिर तुरंत फटाफट ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुआ, तो फिर शहर निकलने की प्लान बनी। मौसम काफ़ी अच्छा है, 8:30 बज रहे हैं, फिर भी
काफ़ी धुंधला वाला मौसम है। यही रूट जाता है रवि किशन के घर की तरफ। यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर जाना पड़ेगा आप लोगों को उनके घर की तरफ। तो ये रूट जाएगा उनके घर की तरफ और ये जाएगा आपका जौनपुर की तरफ और ये जाएगा आप लोगों को आजमगढ़ की तरफ। घर पहुंच गया हूं और सब कुछ कंप्लीट हो गया था। काम जो भी था उनको ड्रॉप भी कर दिया था तो सब कुछ कंप्लीट। तो मिलते हैं